नमस्कार, मैं प्रताप सिंह आजाद, आप देख रहे हैं जनपद टाइम्स सच के साथ एक कदम। अभी हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, ये क्षेत्र है एमपीपुरा ताजगंज गुम्मट, जहां आप देख सकते हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही सीवर की लाइन डली थी वो पूरी ज़मीन धस गई है, और उससे आगे भी देख सकते हैं पूरी सीवर लाइन रोड धसा जा रहा है। और अभी कुछ टाइम ही हुआ है इस सीवर लाइन को, और उसके बाद अभी पानी की एक लाइन डली हुई है जिसको देख सकते हैं करीब 10 से 15 दिन हो चुके हैं। और ठेकेदार केडी शर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम इसको एक दो दिन में बंद कराते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है निकलने करने के लिए। बात करते हैं क्षेत्र के लोगों से, ये जो गड्ढे वगैरह हैं ये कितना टाइम हो गया इसको खुदे हुए बंद नहीं हुए? अभी का कुछ समय का ही बात है, रक्षाबंधन से पहले की बात है। ये खोदा है, पाइपलाइन डली है गंगा जल वाली, ये उससे हो रहा है। और ये इसी से पोल आई है, और पहले की भी पोल है इसमें जो ये सीवर वाली पोल चली आ रही है। ये पूरा खरंजा पूरा डैश मैस्ट हो गया है। जहाँ से गुम्मट के लिए एंटर करते हैं वहाँ से हम लोग देख सकते हैं काफ़ी गड्ढे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी निकलने करने में दिक्कत का सामना कर पाए। टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी कई बार गड्ढों में जा चुकी हैं। बस जो लोग यहाँ रह रहे हैं जानते हैं उनसे, भाई साहब का नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। ये जो कंडीशन यहाँ बनी हुई है, यहाँ की कंडीशन ये है कि रास्ता पैदल नहीं निकला जा रहा है। बस ये है कि इनको टेंडर दिया जाता है, उनका खोदने का काम है, खोद के डाल दिया। पब्लिक इतनी परेशान है, अभी दो कदम आगे ये इतना गड्ढा बैठ गया है, या दो गाड़ी स्लिप हो गई, एक बच्चा उसमें चला गया था। आगे वाली गली में बिल्कुल रास्ता नहीं है निकलने के लिए, इतनी पोजीशन ख़राब है यहाँ की। ज़रा बारिश होने के बाद में आदमी इतना परेशान है, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं गिरता है। उनको तो गड्ढा खोद के अपनी लाइन डालने के बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस उनका कहने का काम तो ये है कि प्रशासन का काम है, अब ये प्रशासन करेगा। अब प्रशासन कौन आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए गली मोहल्लों में, तो ये समस्या है यहाँ। इनका कहना है कि ठेकेदारों का काम है ठेका लेना। उन्होंने बोला है कि सिर्फ हमारा काम है खोदना, वो खोद के डाल गए, अब जनता इसमें गिरे या कुछ भी हो उनका कोई सरकार नहीं। जहाँ पर नगर निगम जो टेंडर उठाते हैं उनका भी देखना होगा, नगर निगम को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो नगर निगम टैक्स लेती है जनता से। जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से, जहाँ पर इनके सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो कितना टाइम हो चुका है इन लोगों को, इससे कस्टमर जो आते हैं काफ़ी बार गिरे हैं, और पता करते हैं इनसे कितना दिन हो गया जो अभी तक ये गड्ढे नहीं बंद हुए। कितना टाइम हो गया? करीब करीब पंद्रह दिन हो गए। करीब 15 दिन से ये लाइन खड़ी हुई है, ना तो ठेकेदार इसको देखने आ रहा है और ना ही कोई। और जनता बारिश के टाइम में इसमें बच्चे भी गिरे हैं, और उसके बाद गाड़ियाँ भी काफ़ी गिर चुकी हैं, लेकिन कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। ठेकेदारों की मनमानी चरम पर है। और गाड़ी बाइक आती है जिसमें फंस जाती हैं, एक सुबह बैटरी वाला रिक्शा भी गिर गया, वो उठाया, फिर लोगों के चोट भी लग रही है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। और ये लोग काफ़ी दिनों से इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, बारिश का टाइम है, काफ़ी बार बच्चे इसमें गिर चुके हैं, गाड़ियां स्लिप हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी ध्यान ना तो ठेकेदार का जा रहा है ना ही नगर निगम का। अपने कैमरामैन अभय शर्मा के साथ प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।